साख्ता इस्लाम बनाया हुआ है, अपनी मर्जी का इस्लाम। हर घर में अलग इस्लाम है, हर घर में अलग शरीयत चल रही है। मैं क्यों बात कह रहा हूं, इसलिए कि जब असल दीन नहीं आता होगा तो फिर हम अपने जहनों से सब चीजें बनाएंगे। कोई कहता है जी घर में बहू आई है, जब से आई है कारोबार को नुकसान हो रहा है, बड़े मनहूस कदम है इसके। हालांकि आपका इस्लाम कहता है कि नहुसत का कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं नहुसत का, किसी शख्स के साथ अल्लाह ने नहुसत पैदा नहीं की। और बच्चियों पे इल्जाम लगाते हैं कि जब से बहू घर में आई है कारोबार तबाह हो गया, बड़ी मनहूस है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं ये कहता हूं ऐसे लोगों से, तुम्हारी बहू मनहूस नहीं है, तुम सारे घर वाले मनहूस हो। रद्द करके बताओ, करो इनकार, साबित करो मैं गलत कह रहा हूं। कैसे कहोगे, कोई किसी को भी मनहूस कह सकता है? शर्म नहीं आती? ये हमारे मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। अपनी शरीयत बनाई हुई है साहब, कारोबार कर रहे हैं, हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई हैं। आपके नबी ने कारोबार करने का क्या तरीका बताया, इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका बताया, अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उसकी उजरत लेने इजारे का क्या बताया मेरे नबी करीम ने? आप इंपोर्ट करते हैं, चाइना से आपका कंटेनर एक महीने के बाद आएगा, इसको बाय सलम कहते हैं, आपके नबी ने उसके बारे में क्या बयान फरमाया? मालूम किया हमने? बड़े बड़े कारोबारी यहां बैठे होंगे, किसी एक से भी मालूम करने की जहमत गवारा नहीं की मार्केट में क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, कैसे सौदा होना है। हमने अपनी एक शरीयत बनाई हुई है, हम नबी करीम की शरीयत को सीखने के लिए तैयार नहीं।